सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चले सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विवो के वाई 16 फोन के स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग के बारे में। स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग क्या है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे कि यहां पे आप लोग को इसी के बारे में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे स्प्लिट स्क्रीन की बात करते हैं, तो यहां पे स्प्लिट स्क्रीन का मतलब होता है एंड आप अपने स्क्रीन पे डबल स्क्रीन यूज कर पाओगे, एक साथ में फेसबुक एंड व्हाट्सएप को भी चला पाओगे। तो फाइनली दोस्तों जैसे कैसे अपने फोन का सेटिंग से इनेबल करना है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग के बारे में, Vivo के Y16 फोन के सेटिंग से इनेबल कैसे कर पाओगे, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड Instagram का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं कैसे आपको स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल करना है Vivo के Y16 फोन के सेटिंग से। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को बताने वाले हैं Vivo के Y16 फोन के स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग के बारे में। तो फाइनली दोस्तों यहां पे आप स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग को कैसे इनेबल कर पाओगे अपने फोन के सेटिंग से। तो यहां पे आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने फोन के सेटिंग के अंदर। तो जैसे अपने फोन के सेटिंग के अंदर आप आओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर मैं आप लोग को बता देता हूं। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सेसिबिलिटी वाले पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहां पर मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। यहां पे आप लोग देख सकते हो स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन, यहां पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे मिल जाता है एनेबल स्क्रीन स्प्लिट। एनेबल स्क्रीन स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको तीन फिंगर लगाना पड़ेगा। यहां पे आप तीन फिंगर लगाते ही आपका स्प्लिट स्क्रीन इनेबल हो जाता है। तो यहां पे आपको पहले ऑन करना पड़ेगा इन सभी सेटिंग को, यहां से ऑन कर लेना है एंड ऑन करते ही आपको एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है। यहाँ पे आपको चार एप्लीकेशन शो होगा, यहाँ पे आपको चारों एप्लीकेशन को इस तरीके से परमिशन दे देना है। अब देने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से बैग आ जाना है। बैग आने के बाद आपको मिल जाता है नीचे यहाँ पे रिकॉर्ड एंड स्क्रीन स्प्लिट एप्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी आपको यहाँ से ऑफ होगा तो इसको भी आपको इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ से आप अपने फोन को तीन फिंगर करना है एंड ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप ओपन करता हूँ एंड व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम तीन फिंगर करते हैं और हमारा यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन इनेबल हो चुका है। तो इसके साथ हम यहाँ पे यूट्यूब को भी यूज कर सकते हैं, यूट्यूब को हम इनेबल करते हैं एंड इसके साथ हम यूट्यूब को भी यहाँ पे चला सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है Vivo के Y16 फोन में, आप इसे इनेबल कर सकते हो, आप अपने फोन में इसे ट्राई भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने अपने फोन में इसे किया एंड यहां पे हमारे फोन में स्प्लिट स्क्रीन इनेबल हो चुका है। एंड यहां पे आप यहीं पे जो कि दोस्तों यहां पे फेसबुक को ओपन करते हो एंड फेसबुक ओपन हो चुका आपके फोन में और इसके साथ यहाँ पे आप तीन फिंगर ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपका स्प्लिट स्क्रीन इनेबल हो जाता है। एंड इसके साथ आप व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह भी यूज कर सकते हो, एक साथ यहाँ पे आप चैटिंग दोनों एप्लीकेशन पे कर सकते हो। एंड इसके साथ आप यहाँ पे अगर चाहते हो आपके फोन में फ्री फायर वगैरह गेम खेल रहे हो एंड यहाँ पे आपके पास मैसेज वगैरह आ गया तो आप स्प्लिट स्क्रीन के जरिए से यहाँ पे यूज कर पाओगे। ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है एंड अपने फोन में इसे आप जाके ट्राई कर सकते हो, मैंने इस फोन के सेटिंग में आप लोग को बता दिया हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप Vivo के Y16 फोन के सेटिंग से स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर पाओगे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में बता चुका हूं। तो फाइनली चलिए आज के लिए इतना ही, आज भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।